क्रिकेट की खबरों के साथ स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट मलाई पर। एक कहावत है, अंत भला तो सब भला। जी हाँ दोस्तों, भारत के वेस्टइंडीज दौरे का अंत भले ही निराशाजनक रहा हो, लेकिन तीनों फॉर्मेट की सीरीज ने भारतीय क्रिकेट को 3 सितारे दिए। हालांकि T20 सीरीज को छोड़ दें तो इंडियन टीम ने टेस्ट और वनडे में झंडे गाड़ के आए हैं, लेकिन T20 सीरीज में हार के बावजूद टीम इंडिया के लिए एक सुखद समाचार लेकर आया। भारत और वेस्टइंडीज के साथ खेली गई 3 सीरीज, चाहे टेस्ट हो, चाहे 3 मैचों की वनडे सीरीज या फिर 5 मैचों की T20 सीरीज, तीनों फॉर्मेट में भारत को बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो रन बनाने के मामले में सबसे अव्वल बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल रहे। उन्होंने इस सीरीज में 88.66 की औसत से 266 रन बनाए। इसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है। उसमें 171 रनों की शानदार परफॉर्मेंस उन्हीं के नाम है। उन्होंने यह कमाल अपने डेब्यू टेस्ट सीरीज में ही कर दिया। जबकि रन के मामले में रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रमशः 240 रन बनाकर दूसरे और 197 रन बनाकर तीसरे नंबर पर रहे। इस प्रकार टेस्ट सीरीज से यशस्वी जायसवाल चमके। अब बात कर लेते हैं वनडे सीरीज की, तो इस सीरीज से मिलने वाले हीरो रहे ईशान किशन। उन्होंने पूरी 3 मैचों की सीरीज में 61.33 के औसत से कुल 184 रन बनाए, जिसमें 350 शामिल है। उनका सबसे बेस्ट 77 रन रहा, जबकि सुमन गिल 126 रन बनाकर दूसरे नंबर पर रहे। इस सीरीज में ईशान किशन को ऊपरी क्रम में खिलाया गया था। अब बात कर लेते हैं T20 सीरीज की, जिसमें वेस्टइंडीज ने भारत को 3-2 से हराया था, लेकिन उस हार के बावजूद भारत को एक हीरा मिला जिनका नाम तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा ने इस T20 सीरीज में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाए। उन्होंने 57.66 की औसत से कुल 173 रन बनाए, जिसमें 150 शामिल है और 51 रन का बेस्ट स्कोर है। हालांकि सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में नंबर एक पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज निकोलस पूरन रहे, जिन्होंने 176 रन बनाए। यह सीरीज तिलक वर्मा के जीवन की पहली सीरीज थी। इस प्रकार से भारत को टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट के प्रत्येक सीरीज में एक नया धाकड़ बल्लेबाज मिला। टेस्ट में यशस्वी जायसवाल मिले, ODI में ईशान किशन, तो T20 में तिलक वर्मा। लेकिन खास बात यह रही कि तीनों ही युवा बल्लेबाज हैं, जो आने वाले एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 में भी नजर आ सकते हैं, और तीनों बल्लेबाज भारत को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक और क्रिकेट मलाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।